सो नेचर वॉज कॉलिंग मी, तो मैं निकल पड़ा अपने इस सफर पर। वेट अ मिनट, कुछ अधूरा सा लग रहा है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे कैमरे की बैटरी चार्ज हो गई है। आई ऑलवेज कीप चार्ज टू माई कैमराज बैटरी टू कीप माई सेल्फ रेडी फॉर एडवेंचर। सो कार्ट्रिज इन टू द वेपन लाइक AK-47। सो कैमरा में अटैच्ड है 7300mm टैमरॉन लेंस और इट्स वर्किंग प्रॉपरली। सो वेपन इन टू द बैग और साथ में रख लिया है 1855mm वाइड एंगल कैनन लेंस। और ये है निकॉन डिजिटल का पाउच और इसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉकी टॉकी एज नोन एज स्मार्टफोन। और फैमिली वाले बच्चों के साथ में अक्सर होता है कि उन्हें स्कूटी मिलती है, बाइक नहीं मिलती है। सो बाय द वे आई लव माय स्कूटी, सी इज़ वेगो। आई थिंक स्कूटी निकालना भी एक आर्ट होना चाहिए, है ना? इफ़ यू विल एग्री वी विल राइट टू द PM। So I'm at very first stage of creating vlogs, so hoping you will forgive me. You can actually call me Noob. तो दीपेश ने कॉल किया था और he was telling me about some surprises. So देखते हैं कि ये surprise क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है ये पक्का हमको ऐसे कोई place ले जाएगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। So हमारी journey start होती है यहाँ से और यह है हमारे गांव के सबसे पुराने मंदिर, इनका नाम है नांदिया बाबा। तो कोई भी जर्नी में जब हम जाते हैं तो एक बार यहां हॉर्न बजा देते हैं तो और होप करते हैं कि कुछ भी बुरा जर्नी में नहीं होने चाहिए। एंड देन कम गार्डरपुल। यहां की स्टोरी ऐसी है कि गांव वाले बताते हैं यहां पर चुड़ैल रहती थी। अब हमें डर लगता था भाई साहब, और हमें घर से अलाउ नहीं था कि जब स्कूल से हम बाइसिकल से वापस आएं तो 5:30 बजे के पहले हमें आ जाना चाहिए। खैर बचपन के साथ वो चुड़ैल भी मर गई। आई फाइनली पिक्ड अप टू दीपेश और फाइनली हम लोग मेन बहर में एंटर कर चुके हैं। एक और ख़ास बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैहर में रिसेंटली रानी दुर्गावती चौक पर एक आई लव बैहर वाला सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो कि एक्चुअली ऐसी फीलिंग देता है आई लव मुंबई वाला। देन यू हैव टू बी हेडेड टूवर्ड्स नर्सिंग टोला और यहाँ पे आप इसके बाद में हर्रा नाला क्रॉस करते हैं। आफ्टर ड्राइविंग 2.5 किलोमीटर्स यहाँ पर एक तिराहा पड़ता है जहाँ एक सीधी जो रोड है वो जाती है ढिंडोरी और मंडला की ओर और आपको लेना है राइट। यहाँ से ये कौन सा गांव है भाई? बैहर में ही है ना? चलो और क्या। ओह माय गॉड, प्रीमियम गाड़ी की ऐसी आवाज आती है, खट 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 खट। तुमको पता है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है? इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मैं डालूंगा इसका। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं डालूंगा यार, क्या उसमें। और डॉगी साला मुंह खोल रहा है, खुदा देगा। सही बात है, बताया था एक बार हमारे स्कूल से लेकर। सो फाइनली टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच ही गए थे। डेस्टिनेशन क्या है उसका? ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस यार। अभी तक नहीं आए थे? सच्ची में नहीं आया था? कौन सी जगह है? मिश्री नाला। सो ब्यूटीफुल। आगे और चलना थोड़ा। खैर ये नाला तो किसी भी प्रस्पेक्टिव से नहीं लगता है,
कि इतना ब्यूटीफुल है और इसे आसपास से कवर करके इसे डैम बना दिया गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एक तालाब है। लेकिन हम लोगों का आइडिया थोड़ा और अंदर जाने का है क्योंकि मुझे बर्ड्स की फोटोज भी लेनी है और यहाँ पर दीपेश ने बताया कि थोड़ा सा कैनोपी वॉक टाइप का मेटल पूल है। ये देख तोता 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 खा रहा तो ये है मिश्री नाला और ये है दीपेश। फालतू की खुशी में है यार ये लगता है मेरे को। धागा जैसे लगा क्या कुछ Can you be here and I'm good alone? I'll be okay if you like me. And finally, मेरा favorite place जो कि हमेशा जंगल होता है, जहाँ पर मुझे बहुत सारी birds की photos और उनके behavior को समझने का मौका मिलता है। There's not much to do when all I can. I personally think कि वाइल्ड लाइफ में लक मैटर करता है क्योंकि कभी कभी आप सारा दिन वेस्ट कर देते हैं और आपको परफेक्ट शॉट नहीं मिलता और कभी कभी शुरू के फर्स्ट आवर्स में भी आपको परफेक्ट शॉट मिल जाता है और मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। तो यहाँ का पानी मुझे बहुत साफ लगा क्योंकि यहाँ पर कोई पॉल्यूटेड ड्रेनेज नहीं है और ये विलेज में है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। सो वी स्टेड टिल द इवनिंग और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। साइनिंग ऑफ अ वाइल्ड लाइफर।